राजनीति में समर्थकों की दीवानगी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अंबाला में एक शख्स ने कांग्रेस पार्टी के प्रति ऐसी भक्ति दिखाई कि पूरा मंदिर ही बनवा डाला। जानिए कौन है यह शख्स और क्यों बनाई कांग्रेस की यह अनोखी श्रद्धास्थली। आपने राजनीतिक पार्टियों के कट्टर समर्थकों के बारे में तो सुना ही होगा, जो अपने नेताओं के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। कई समर्थक अपने शरीर पर नेताओं के टैटू भी बनवा लेते हैं। लेकिन अंबाला में एक शख्स ने कांग्रेस पार्टी के प्रति ऐसी भक्ति दिखाई कि उसने एक पूरा मंदिर ही बनवा डाला, जिसमें कांग्रेसी नेताओं की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। यह कहानी है अंबाला जिले के गांव दानीपुर निवासी जसविंदर सिंह की। जसविंदर का परिवार शुरू से ही कांग्रेस का समर्थक रहा है। वर्ष 2004 के राजनीतिक दौर के घटनाक्रमों से जसविंदर सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कांग्रेस का मंदिर बनाने की ठान ली। इस मंदिर में कांग्रेस के विभिन्न नेताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। जी, मेरा नाम जसविंदर सिंह है, मेरा गांव दानीपुर है, मेरा जिला अंबाला हरियाणा राज्य है। तो ये मंदिर बनवाने से जो सोनिया गांधी जी की मूर्ति लगी है, तो देवी देवताओं से या भगवान से इनका कोई तालमेल नहीं है। इनके कुछ क्रांतिकारी नीतियां थी और 2005 में जब 2004 में सरकार बदली थी तो सोनिया गांधी ने एक बड़ा त्याग करके कि जैसे भी कहते थे भी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, बन सकते हैं, तो इन्होंने प्रधानमंत्री तो बनना था, बहुमत संख्या भी पूरी थी, तो विपक्ष के दो नेताओं ने, महिला नेत्रियों ने, सुषमा स्वराज और उमा भारती ने कहा कि ये विदेशी है, ये बनेगी तो हम सिर मंडवा देंगे, जमीन पे सोएंगे। तो अब्दुल कलाम जी ने इनको बताया कि ये ऐसे दंगे करवा सकते हैं, ऐसा मतलब खून खराब हो सकता है। तो इसने बोला कि मैं कोई ऐसा पद ग्रहण नहीं करूंगी, सोनिया गांधी जी ने, कि भी जिससे मेरे सियासत में बैठने से एक चींटी भी मरती हो, मैं खून खराबे की सोच भी नहीं सकती। तो इन्होंने देश को एक ईमानदार प्रधानमंत्री दिया। तो मैंने 2004 में सर मंदिर बनवाना शुरू किया था और मैंने अपनी छोटा सा किसान हूँ, मैंने अपनी खेती किसानी की मेहनत से बनाया। एक बार ये मंदिर डगमगा गया था कि यहाँ बाढ़ आ गई 2010 में, दोबारा फिर मैंने बनवाया। तो मैं बीच में जम्मू रहता हूँ, यहाँ आता हूँ, साफ सफाई रखता हूँ। तो फिर मेरे अंदर एक बात जागी कि सोनिया गांधी को लोग ट्रोल कर रहे थे ना, कि उनकी इस टाइम तारीफ करने वाले भी थे, लेकिन उसके अपोजिट गलत लोग बयानबाजी कर रहे थे कि इसलिए बन नहीं सकी, इसलिए नहीं बनी, ये है वो है। जसविंदर सिंह का यह अनोखा कदम न केवल उनके परिवार की राजनीतिक निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि राजनीति के प्रति उनकी गहरी भक्ति को भी उजागर करता है। गांव के लोग इस मंदिर को देखने आते हैं और जसविंदर सिंह की इस अनोखी श्रद्धा की सराहना करते हैं। उनके लिए यह मंदिर एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। तो यह थी कहानी अंबाला के जसविंदर सिंह की, जिन्होंने कांग्रेस के प्रति अपनी भक्ति को एक नई पहचान दी। लोकल 18 के लिए अंबाला से सनाया सोबिती की रिपोर्ट।